अब साउथ अफ्रीका का मैच आएगा, देखिएगा आप रोहित शर्मा कैसी, मतलब कैसी पछाड़ के रख देते हैं साउथ अफ्रीका को। तो जैसे वो थ्रू आउट दी टूर्नामेंट वो लेके गए हैं 10 पे 10 की स्ट्रीक लगाना कोई हालांकि का काम नहीं है। जैसे उन्होंने प्रो विराट कोहली बन चुके हैं इस टाइम, तो मैं भी के हमें लग रहा हो विराट कोहली इसलिए बेस्ट है, लेकिन वो अपने लिए वो बंदा नहीं खेलता ना, उसने कभी सेंचुरी देखी है अपनी ना। लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने इस चीज को हैंडल आउट किया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनएक्सपेक्टेड है और अनबिलीवेबल है। ठीक है भाई, ही रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वो बहुत बेस्ट है। एज ए कैप्टन मैं वो कहता यार मैं उसको नहीं देखता, बस मैंने टीम के लिए खेलना होता, बस मुझे पता है मैंने टीम को इतना स्कोर देना और मैं देख के जाता हूँ। तो अगर उन्होंने ये बात किया है तो मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि अगर विराट कोहली भी हो और रोहित शर्मा भी हो तो कोई हम ये कहें कि रोहित शर्मा बेस्ट है, नो इट्स नॉट। रोहित शर्मा का लेवल है ना यार, वो सेल्फलेस टीम के लिए खेलता है, तो वो इस चीज को जानता है कि मैंने किस सिचुएशन में कैसे खेलना। एशिया कप में अगर देखा जाए तो एशिया कप में उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा हाँ आते हैं, विराट कोहली के बाद आते हैं। हाँ 30% भी अपने लिए खेले तो वो नंबर वन पे रहे जब तक वो खेल रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। हम लोग अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो रोहित शर्मा के बारे में है, जुनैद खान की तरफ से कहा गया कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज गॉट, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं उनकी बात से सहमत करूंगा, क्योंकि एक बॉलर को पता होता है कि बेहतरीन बैट्समैन कौन है, और वो इंटरनेशनल खेले और इंडिया के खिलाफ वो काफी मैचेस खेले हैं, वो रोहित शर्मा के खिलाफ भी वो खेले हुए हैं। मैंने भी वो पॉडकास्ट सुनी और जुनैद खान आपको पता जो पाकिस्तान के एक बहुत यूनिक और अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं जो पाकिस्तान की टीम में, और उन्होंने जो उनके बकौल उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा सबसे अच्छा बैट्समैन, और उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि यार आप देखें कि जो विराट कोहली है नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो रोहित शर्मा है ना यार उसके पास हर किस्म की शॉट है, वो कहीं भी आके आप उसको खिला लो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। सचिन बेशक बहुत अच्छा था, विराट कोहली बहुत अच्छा, लेकिन जो रोहित शर्मा का लेवल है ना यार वो सेल्फलेस टीम के लिए खेलता है। रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन यार मुझे तो नहीं लग रहा रोहित शर्मा है, क्योंकि जो जैसे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है एज ए कैप्टेंसी वो ठीक रहे हैं, लेकिन एज ए बैट्समैन अगर आप कह रहे हैं तो ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तो भाई वो है कि प्रो विराट कोहली बन चुके हैं इस टाइम, तो मैं भी कि हमें लग रहा हो विराट कोहली इसलिए बेस्ट है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए ना तो विराट कोहली से बेस्ट एज ए बैट्समैन में बात करूं, एज ए कैप्टन नहीं तो विराट कोहली से बेस्ट नहीं हो सकता। वो अपने लिए वो बंदा नहीं खेलता ना, उसने कभी सेंचुरी देखी है अपनी ना, उसने कभी उसने ना अपनी कभी 50s देखी है, उसने कुछ भी नहीं, वो सिर्फ प्योरली टीम के लिए खेला है। तो अगर उन्होंने ये बात किया है तो मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए आप विराट कोहली रोहित शर्मा जो है वो बैट्समैन के साथ साथ वो कैप्टन भी हैं, ठीक है, और दोनों चीजों को जैसे वो हैंडल करता है, और जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने इस चीज को हैंडल आउट किया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनएक्सपेक्टेड है और अनबिलीवेबल है। ठीक है हाँ, अगर रिटायरमेंट जो ले चुके हैं उन प्लेयर्स को ऐड किया जाए तो फिर तो ऐसे ऐसे लेजेंड बैठे हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते। अगर इस टाइम की बात की जाए तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा हाँ आते हैं, विराट कोहली के बाद आते हैं, हाँ मतलब विराट कोहली के बाद आते हैं, ये नहीं कह सकते कि अगर विराट कोहली भी हो और रोहित शर्मा भी हो तो कोई हम ये कहें कि रोहित शर्मा बेस्ट है, नो इट्स नॉट। और उसने टीम को एक ऐसा हमेशा ऐसा स्टार्टअप दिया है कि टीम एक रिदम में आ जाए, ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स की तरह देखें तो वो कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं। अभी वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर को आपको पता रन आउट कराया था, और भी काफी सारी ऐसी इनिंग्स हैं जब विराट अच्छा खेलते हैं लेकिन वो अपने लिए खेलते हैं, अपनी सेंचुरीज और अपनी जो 50s है उनको बढ़ाने के लिए, लेकिन रोहित शर्मा यार खेलता भाई छक्का चौका छक्का चौका टीम के लिए, मतलब भाई वो बंदा ना अपनी टीम को पहले रखता है और अपना जो अपना स्टैट्स है और वो चीजें, वो कहता है यार मैं उसको नहीं देखता, बस मैंने टीम के लिए खेलना होता, बस मुझे पता है मैंने टीम को इतना स्कोर देना और मैं देख के जाता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि अभी हम खुद जानते हैं कि जितना भी परफॉर्मेंस हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर देखा नो डाउट, लेकिन वो हमने उनके होम ग्राउंड में देखा है, आपको क्या लगता है कि जब वो किसी और ग्राउंड में जाकर परफॉर्म करेंगे तो क्या यही परफॉर्मेंस हमें नजर आएगी? बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ इंडिया के प्लेयर है? नहीं, आप कहना चाह रही हैं कि वो सिर्फ इंडिया में खेल सकते हैं और वो इंडिया के, नहीं यार वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और
आपको पता है रोहित शर्मा भी ओडी रैंकिंग में फोर्थ नंबर पर यार, फोर्थ नंबर पर एक बंदा आ गया है, उस पर शौक नहीं है फोर्थ नंबर पर आने का, ना वो अपना स्टैट्स देखता ना वो उस हिसाब से खेलता। अगर आप देखें, अगर वो बंदा स्टैट्स देख के और अपनी अपने लिए क्रिकेट खेले ना, 30% भी अपने लिए खेले तो वो नंबर वन पे रहे जब तक वो खेल रहे, वो बंदा देखता ही नहीं है, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मैं उनकी जो है स्टेटमेंट है मैं बिल्कुल उनको एग्री करता हूँ। आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देख लें, जैसे वो हर प्लेयर को लेके चले हैं, उनके साथ उनसे बड़े बड़े लेजेंड्स भी खेल रहे हैं, ठीक है विराट कोहली खेल रहे हैं, उसके अलावा और भी बड़े बेहतरीन प्लेयर्स जूनियर्स भी उन्होंने ऐड अप किया हुए हैं। तो जैसे वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो लेके गए हैं, 10 पर 10 की स्ट्रीक लगाना कोई हालाज का काम नहीं है। जैसे उन्होंने लास्ट मैच में, मैं समझता हूँ उनका एक बैड लक हो गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप उन्हीं का था और जीतना भी उन्हीं को चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन बैड लक हो जाती है। और मैं जो है जुनेद की जो ये स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल बैक करता हूँ और बिल्कुल उन्होंने ठीक है। और मैं खुद जो है वो रोहित शर्मा का एक फ़ैन हूँ, जैसे उन्होंने थ्रू आउट जो है वो वर्ल्ड कप परफॉर्म किया और अभी जो है वो साउथ अफ्रीका भी गए हुए हैं और होपफुली कि वहाँ पे टेस्ट मैच में वहाँ पे हैं कैप्टन हैं, तो होपफुली कि वहाँ पे भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। नहीं मतलब कि आप एज अ बैट्समैन जो है वो विराट कोहली को ज़्यादा फेवर करेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि भाई रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वो बहुत बेस्ट है, एज ए कैप्टन मैं कह रहा हूँ कि MS जैसे वो उनका चल रहा है ना कैप्टनसी उन्होंने की है, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी हद तक, ज्यादा नहीं किसी हद तक वो अपना धोनी को भी वो क्रॉस कर चुके हैं। और दूसरी साइड बाबर आजम हर टीम के खिलाफ खेलते हैं और विराट कोहली अपनी क्रिकेट देखते हैं, शुभमन गिल हत्या के अपने लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो देखें वो ऊपर चले गए। और जो बंदा अपने लिए बिल्कुल भी नहीं खेलता, टीम के लिए खेलता, और आप उसको जहां मर्जी ले जाए, ऑस्ट्रेलिया में ले जाए, इंग्लैंड ले जाए, साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका का मैच आएगा देखिएगा आप, रोहित शर्मा कैसी मतलब कैसी पछाड़ के रख देते हैं साउथ अफ्रीका को। लेकिन अगर एज ए बैट्समैन बात की जाए तो वो अभी एज ए बैट्समैन भाई इतने नहीं पक्के हुए कि हम कहें कि प्रो विराट कोहली उनसे बेस्ट हो गए जी, कौन रोहित शर्मा यार, ये क्या बात है, ये तो सरासर जाती है। तो मतलब कि आप इंडिया में किसको फेवरेट समझते हैं? समझते क्या है, तकरीबन सभी अवाम के एक ही फेवरेट है भाई, इंडिया क्या पाकिस्तान क्या, मैं मुझे तो लग रहा है पूरे एशिया में अगर आप जिसको भी ये पूछेंगे ना वो विराट कोहली, बिला जिजे को विराट कोहली का ही बोलेगा, मतलब 60% अबव जो पब्लिक रिएक्शन होगा वो होगा विराट कोहली। बिल्कुल, जब हम लोग देखते हैं रोहित शर्मा को, उन्होंने परफॉर्म किया अपने होम ग्राउंड में, हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, लेकिन अब जो है वो रियलिटी डिफरेंट है और होम ग्राउंड कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो क्या रोहित शर्मा इसी बेस्ट बैट्समैन का जो इमेज है वो क्रिएट रखेंगे जब वो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज में। देखें आप फाइनल में बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप में जो हुआ है स्टार्टिंग में कैसे उसने धुआंधार जो है बैटिंग की थी, बेहतरीन आते साथ चौके छक्के लगाना, और वर्ल्ड कप का प्रेशर आपको पता है बे इंतहा होता है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हम टीवी में देख रहे तो हमारी सांस यहाँ पे रुक रही थी, जो इनसाइड खेल रहा था उसका तो क्या हालत होती होगी। तो वो इस चीज को जानता है कि मैंने किस सिचुएशन में कैसे खेलना। एशिया कप में अगर देखा जाए तो एशिया कप भी उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया थ्रू आउट दी टूर्नामेंट, और एशिया कप वो जीते भी हैं, ठीक है। तो अब जो है साउथ अफ्रीका की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का कोई प्रेशर लेगा या उसके ऊपर कोई प्रेशर होगा, वो बिल्कुल एक चिल प्लेयर है, वो अपने गेम में मगन रहने वाला प्लेयर है और वो जो है वहां पे भी परफॉर्म करके दिखाएगा। और जैसे लोग कहीं लोग कहते हैं इंडिया जो होम ग्राउंड में परफॉर्म करने वाली है वहां पे नहीं परफॉर्म करने, तो ये मुंह जो है ना ये उनके वहां पे जाके बंद हो जाएंगे, और लोग तो मतलब कि जितनी मुंह उतनी बातें हैं, तो लोग तो ये भी कहते थे बॉल को ये किया हुआ है, पिच को ये किया हुआ है, तो भाई ये क्वेश्चंस जो है ना ये आप जैसे कोई बड़ा प्लेयर खेलता है अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके अच्छे वीक कमेंट्स देने वाले होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी, गलत कमेंट भी देने वाले होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो इस चीज़ को जो है वो कोई प्रेशर ले पाएगा। वो जुनेद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है मैं 100% उनका बैकअप करता हूँ।